मीडिया तो उन लोगों की है, करोड़ों रुपया लेके मीडिया एक नैरेटिव तैयार करना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी कभी रेस में नहीं है। जिस पार्टी की 22% वोट आती है, जिस पार्टी का एक इंटैक्ट वोट है, कैडर वोट है, उसको तुम रेस में नहीं दिखा रहे, और जो 6% लोग हैं उनको तुम रेस में दिखाने काम कर रहे हो। तो मीडिया वायस है, मीडिया बेईमानी करती है, मीडिया कभी नहीं चाहती, एक मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि एक संविधानवादी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे। अगर बहन जी सत्ता पर बैठ जाएंगी तो बहन जी जो महापुरुष हैं, न्याय है, समता है, मैत्रिक है, बंधुत्व है, उसका काम नहीं करेंगे क्या बहन जी? बहन जी संविधान को सुरक्षित नहीं करेंगे? बहन जी ने कहा भी है, सिर्फ सड़कों पर आंदोलन करने से आप संविधान को नहीं बचा पाएंगे। आप जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक अपना मुखिया नहीं बनाएंगे, जब तक आप संविधान को नहीं बचा पाएंगे। यही तो चंद्रशेखर कर रहे थे, वो बीजेपी को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव के यहाँ। वो क्या कर रहे थे सबको पता है, वो क्या कर रहे थे सबको पता है, ये मेरा मुंह मत खुलवाइए बार बार, सबको पता है क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताइए। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे थे, जो सिकी नहीं रोटियां, वो सिर्फ राजनीतिक अपनी चमकाना चाहते हैं, उनको कोई किसी से कोई लेना देना है। उनके जो आसपास के जो लोग हैं ना, जिनको जेल में भिजवाने का काम किया था, वो उनके भी सगे नहीं है। वो इंसान किसी का सगा इंसान नहीं है, वो किसी भी वक्त किसी को धोखा दे सकता है, किसी भी वक्त किसी को धोखा दे सकता है। आपको धोखा दिया क्या? नहीं, हमको कौन धोखा देगा, हमने तो खून ठुकरा के आए, हम तो ठुकरा के आ गए, हम तो छोड़ के आ गए उनको, हमने तो फेल करके आ गए उनको, हमने तो फेल कर दिया था। क्योंकि हमें ऐसे इंसान पसंद हैं जो मान सम्मान से ज़िंदगी जीते हों, जो दूसरे का सम्मान करते हों, ऐसे इंसान की बिल्कुल भी हमें परवाह नहीं है, ना उनका हमें कोई दुख है कि जो इंसान को नहीं समझ पाते हैं। बहुत तो स्वाभिमान की बात करते, कोई स्वाभिमान ही नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है। अब सब कुछ लूट गया तो स्वाभिमान की बात करें? जब स्वाभिमान के यहाँ 2 महीना से उनके चौक टोप है, आप सर रगड़ रहे थे, हैं नाक रगड़ रहे थे, कहाँ गया था तुम्हारा स्वाभिमान? हैं ओपन मीडिया के अंदर रोते हो, कहाँ तुम्हारा स्वाभिमान? कहाँ तुम्हारा स्वाभिमान? 2 सीटों के लिए तड़फ जाते हो, कहाँ तुम्हारा स्वाभिमान भैया? कहाँ तुम्हारा स्वाभिमान बताइए ना आप लोग? ये तो बेकार स्वाभिमान है, ऐसा स्वाभिमान किसी को नहीं चाहिए। हम वो लोग हैं इस देश के अंदर, उस माननीय काशी श्याम बहन कुमारी मायावती के हम फॉलोवर हैं, जिन बहन कुमारी मायावती ने अपना इस्तीफा दे दिया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा दे दिया था, बहन जी ने सहारनपुर के माध्यम से अपना इस्तीफा दे दिया था, हम वो लोग हैं। ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये तो सत्ता के लिए रो पड़ेंगे। ये जेल भी तो जाते हैं सर, जेल अपनी गलती के लिए जाते हैं जेल। आंदोलन तो हमने भी करे, सारे आंदोलन हमने भी करे, हम तो एक बार भी जेल नहीं गए। अरे अपनी गलती से जाते हैं, कमजोर आदमी जेल जाता है, और जो ताकतवर होता है वो छुटाता है। तो आप कमजोर मानने चंद्र? बिल्कुल कमजोर है, जिनको यही नहीं पता लीडर को कि कैसे आंदोलन किए जाते हैं, कैसे अधिकारियों से बात की जाती है, कैसे सब कुछ किया जाता है, तो वो तो जेल ही जाएंगे। आप बताइए ना, तोड़ फोड़ करेंगे तो जेल ही जाएंगे ना। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग नहीं आंदोलन करते क्या? हम लोग भी आगे भी आंदोलन करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वो किसी और से फोन पर बात कर रहे हैं, इस वजह से हमारी बात नहीं बन रही। अखिलेश यादव जाने और चंद्रशेखर जाने किससे बात कर रहे थे भैया? अब मैं तो बता नहीं सकता। नहीं, आप भी बड़े करीब ही रहे ना चंद्रशेखर। अब किससे बात कर रहे हैं? उनको पता है सब कुछ, बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं किसी से तो कर रहे होंगे, अपने बड़े बॉस से बात कर रहे हैं। अब भैया का भैया अखिलेश यादव, और उनका भी कोई भैया होगा, चाचा होगा, ताऊ होगा, उससे बात कर रहे होंगे। RSS के लोगों से बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से बात कर रहे हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ भैया किससे बात कर रहे हो? अब जिससे भी बात कर रहे हैं, BSP को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समर्थन लोगे उनका? बिल्कुल समर्थन क्या लेंगे, वो तो आप तो देखो ऐसा उनकी जरूरत नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ बिगाड़ दिया है, अब कोई जरूरत नहीं है उसको बहुजन समाज पार्टी की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहते कि मैं बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ बिना शर्त के, और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाता देखता हूं, तो लोग कहीं ना कहीं उनकी तरफ झुकते, उनको उनका मान सम्मान करते, मगर वो सब कुछ उन्होंने खो चुके हैं वो लोग, क्योंकि लालच दिखाई गया। और जब लालच कोई आदमी के अंदर होता है तो फिर जो समाज है वो समझ जाता है, बहुत समझदार है हमारा समाज, ऐसा नहीं नेता वैसे नहीं बनाते हैं, नेता वैसे नहीं मुझे नेता बनाओ, समाज अपना आप नेता बना लेता जिसको बनाना है। समाज ने तो नकारा उनको, समाज ने नकार दिया उनको, जब तक वो भीम आर्मी चला रहे थे जब तक ठीक था, जैसे उन्होंने पार्टी बनाई समाज ने नकार दिया उनको, एक वोट भी नहीं आती है, हज़ारों वीडियो निकल रही हैं, हज़ारों वीडियो लोग गाँव गाँव में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये नेता ही नहीं है, काटने के लिए आ रहा वोटों को। और जो समाज को बांटने का काम आएगा, उन्होंने समाज में बंटवारा करने का काम किया है, उसको समाज माफ़ नहीं करेगा। हमारे महापुरुषों की एक पार्टी है तो दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत क्या है? पहली बात तो सोचिए, बड़ी मुश्किल से कोई पार्टी बनती है, नेशनल लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी है, आपने दूसरी पार्टी अपने लालच के लिए बना ली, तो फिर कैसे आप स्वीकार किए जाओगे? नहीं करेंगे। बीएसपी बनी ना सर, पहले थी ना RPI थी। आप BSP है ना, 84 से लेके BSP देश के सबसे बड़े सूबे में, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती बनी है ना, मुख्यमंत्री बनी है, अच्छा शासन किया ना बहन जी ने,
तो बीएसपी को तुम कमजोर करके तुम अपनी पार्टी बनाना चाहते हो, जरूरत क्या है? तो आपने तो कमजोर किया था पहले आरपीआई को, फिर आपने बीएसपी किसी को कमजोर नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब इस देश के अंदर ये साबित कर चुके हैं, क्योंकि अगर कोई देश के अंदर सही शासन दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकता है। इस देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से प्रधानमंत्री बन सकता है। आज भी दूसरी जो राजनीतिक पार्टी हैं उनकी अगर निर्णय लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के आधार को लगकर जब निर्णय लिए जाते हैं, कहीं मुख्यमंत्री बनाया जाता है, चन्नी मुख्यमंत्री बनाए, तो बहुजन समाज पार्टी के रणनीति को देख कर बनाए गए। आज भी देश के अंदर अगर राष्ट्रपति दलित बनाया जा रहा तो बहुजन समाज पार्टी को देख कर बनाया। नहीं अपनाया तो क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं, कौन अपनाएगा उनको, उनके कर्म ही ऐसे हैं तो कोई नहीं अपना रहे ऐसे लोगों को। ठीक है, उनके दलित समाज से आते हैं, उनको सब लोग छोड़ कर जाएंगे। ये मेरा वो है, मेरा मानना है कि ऐसे इंसान को सब छोड़ कर जाएंगे जो धोखेबाज इंसान है, जो जिसको इंसान की परख नहीं है, उसके लिए तुम अपनी जान भी दे दो, अपना गला काट कर दे दो जब भी उसको विश्वास नहीं होता। पर्सनली दुश्मनी थोड़ी हमारी, हमारी क्या पर्सनली दुश्मन थोड़ी है, उससे क्या पर्सनली दुश्मनी हमारी, कोई पर्सनली दुश्मन नहीं है। हम तो सामाजिक इंसान हैं, समाज की बात करते हैं। आंदोलन में मिले थे, हमने उनका सहयोग करा, जब लगा कि ये आदमी चलने वाला है नहीं, ठीक है ना, घमंडी आदमी है, किसी आदमी की परख है नहीं, तो हमने छोड़ दिया उनको। देख हाथरस का कितना बड़ा मामला उन्होंने उठाया, क्या कर दिया हाथरस के अंदर, सभी लोग पार्टी उठा रही थी, बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले उठाई ये, और हाथरस की जो वकील हैं सीमा कुशवाहा अभी बहुजन समाज पार्टी में आने वाली हैं, अब उनको ज्वाइन करा रहे हैं। उनको कहाँ को हाथरस में कौन सा तीर मार दिया उन्होंने, सिर्फ हंगामा खड़ा कर दिया, दो तीन लोगों पर FIR कर दी, FIR करवा दी, करा दी। FIR कराने से, हंगामा करने से काम नहीं चलेगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने से बनेगा, कुछ प्लानिंग करके काम बनेगा। लोगों पर सिर्फ FIR करा दोगे, उनको जेल में पहुँचाओगे, यही काम हो गया तो मैं भैया डेली को करा दूँ, लोगों को डेली कराऊं, कहीं भी लफड़ा कर दूं फिर जेल चला जाऊं। राजस्थान में न्याय नहीं मिल रहा, वहां तो नहीं जा रहे आप लोग? हम हर जगह जाते हैं, हमारी यूनिटें हर जगह जाती हैं, हमारी यूनिट आपने देखा नहीं, यूनिट है जो दिल्ली से लेके और हर जगह हम जाते हैं, कहीं भी हो हमारी यूनिट जाती है, बहुजन समाज पार्टी हर जगह है। फॉर्मेलिटी पूरी करना, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है। 96 लोगों का मुकदमा किसने लड़ा? हम सब लोग थे, चंद्रशेखर आजाद को जेल में निकालने का काम किया, हम लोग उसमें भागीदारी थे। उसी बात का तो दुख है ना आपको? उसे कोई दुख नहीं है, दुख किसी बात का नहीं है, अपने समाज की बात को उठाने का किसी को दुख नहीं है। मगर ऐसे जो लालची लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो लोग राजनीति में कामयाब नहीं है, क्योंकि वो लोग धोखा देते हैं, जो उनके साथ में रहता है उसी को धोखा देते हैं। लेकिन सर, जो चंद्रशेखर आजाद को जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जिसको आप कथित तौर पर गोदी मीडिया कह देते हैं, वो तो बड़े पैमाने पर उनको कवरेज करने के लिए आते हैं। जब किसी बड़े घर को कमज़ोर करना होता है तो छोटे आदमी को आगे बढ़ाया जाता है, बताइए ना। अब उनको बहुजन समाज पार्टी से नफरत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने नौजवानों को तैयार किया है, विचारधारा को तैयार किया है, तो अब किसी न किसी आदमी को, ऐसे आदमी को ऊपर उठाओ जो बहुजन समाज पार्टी की काट करे। भाई अखिलेश जी भी तो ये चाहते थे, बीजेपी भी यही चाहती थी कि चंद्रशेखर 403 सीटों पर लड़े, एक दो दो वोट ना परसेंट उनकी वोट काटने का काम करे, मगर एक भी वोट ना कटने वाली। अब की बात, समाज ने इनका चेहरा देख लिया, ये तो अच्छा हुआ कि समाज ने चेहरा देख लिया। जो दूसरे लोगों के साथ में धोखा करता है उसके साथ भी धोखा होता है, ये सही है बिल्कुल। सर, जो आजाद समाज पार्टी के साथ में जो छिछलेदारी हो रही है, हाँ। कहीं रोते हैं वो, कहीं कुछ उनको ठुकरा दिया जाता है, क्या उनके पास में जो सलाहकार है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? अब पता नहीं सलाहकार है क्या नहीं, अगर मुझे अपॉइंट करेंगे तो मैं अच्छी सलाह दे दूंगा उनको। अगर जाना चाहोगे? नहीं, जाना नहीं चाहूंगा, मुझे अपॉइंट करें ना, मेरी फीस होती है 5-5 लाख रुपये मुझे देंगे घंटे की, तो मैं उनको कुछ सलाह वाला दूंगा बढ़िया सी कि भैया राजनीति बात नहीं छोड़ो, अपनी वकालत अगर तुमने कर रखी तो वकालत करो अपनी, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। क्योंकि आपने तो देना चाहिए थी सलाह, ली उन्होंने नहीं, तो हाँ अभी तो कह रहा हूँ मैं, अगर हमें अपॉइंट करेंगे तो ऐसा कैसे उसको सलाह दे देंगे, कहाँ सलाह दे रहे हैं, जब सलाह दी थी मांगे। वो आदमी वफादार आदमी नहीं है, जो उसके साथ रहेगा उसी को कमज़ोर करेगा, वो आदमी की पहचान नहीं उस इंसान को, वो अपने ही लोगों को कमज़ोर करने का काम करता है। उसके साथ में तुम कितनी भी वफादारी कर लीजिए, वो आदमी आपको धोखा ही देगा, मेरा ये पर्सनल अनुभव है। लेकिन सर, कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी के बाद में जो है ना, ये आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, ये भविष्य होंगे दलितों के राजनीति में। अब कौन सा भविष्य होंगे पता नहीं भैया, अब जो लोगों के जो लोग कहते हैं उनके पूछ का हो, मुझे तो उनका अपना खुद का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा कि उनका खुद का भविष्य क्या है। तो दूसरे के लोग भविष्यों को खराब करते हैं, उनका अपना भी कोई भविष्य नहीं होता।